दोस्तों, दुनिया की सुपर पावर देश कहे जाने वाले अमेरिका ने भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को बर्बाद करने के लिए अब अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। ये बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जिस तरीके से भारत की डिफेंस इंडस्ट्री एक नए स्केल पर जाकर के ग्रो कर रही है, भारत नई नई तकनीक को विकसित कर रहा है और पिछले 1.5 महीने के भीतर हमने 6 से भी ज्यादा नई मिसाइलों के परीक्षण कर डाले हैं। इसके अलावा भारत के DRDO और नए नए स्टार्टअप्स ने जो नई नई तकनीक विकसित करनी शुरू की है, इसकी तारीफ पूरी दुनिया में की जा रही है और इसी के चलते रूस सहित तमाम नाटो के देश ने भारत से हथियारों को खरीदने में अपनी दिलचस्पी दिखाई और यही सारी चीजें अमेरिका को नापसंद आ रही हैं। और इसी के चलते अमेरिका ने आज एक ऐसा फैसला ले लिया है जिससे भारत के डिफेंस इंडस्ट्री को बड़े नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। पूरी रिपोर्ट क्या है छोटे से वीडियो में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ये बात है साल 2023 की, जब इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भारत की दिग्गज डिफेंस PSU यानी HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को तेजस फाइटर जेट मैन्युफैक्चर करने का कॉन्ट्रैक्ट सौंपा जाता है। ये कॉन्ट्रैक्ट करीब 29,810 करोड़ का था जिसे HAL भारत के अंदर ही तैयार करने वाली थी, लेकिन इन फाइटर जेट्स के अंदर जनरल इलेक्ट्रिक अमेरिकन कंपनी का इंजन लगने वाला था और इसी चीज को लेकर के HAL और जनरल इलेक्ट्रिक के बीच में पूरी तरीके से बातचीत की जाती है और एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज होता है, जहां पर HAL की तरफ से तेजस फाइटर जेट के लिए सारे काम को कम्प्लीट किया जा चुका है, लेकिन अमेरिका की तरफ से इंजन की सप्लाई नहीं की गई है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत अमेरिकन कंपनी को HAL को कई सारे इंजन की सप्लाई करनी थी, लेकिन पिछले कई महीनों से सप्लाई अटकी पड़ी है। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अगस्त महीने में ही सप्लाई हो जानी थी, लेकिन अभी तक अमेरिका ने इंजन को होल्ड करके रखा हुआ है। लेकिन दुख की बात यह है कि अमेरिका ने भारत को तो इंजन नहीं दिए हैं, वहीं साउथ कोरिया में तैयार किए जा रहे T-50 गोल्डन एगल नाम के फाइटर जेट को इसी इंजन की जरूरत है और वहां पर सक्सेसफुली इस इंजन को अमेरिका की तरफ से डिलीवर किया जा चुका है। अमेरिका की तरफ से इंजन न आने के कारण भारत को जो समय पर फाइटर जेट मिलने वाले थे ये नहीं मिल पाएंगे और मजबूरन हमें ऐसे इंजन किसी और देश से खरीदने पड़ सकते हैं। और अगर हम इस नए कॉन्ट्रैक्ट को फाइनलाइज करते हैं तो इसमें भी हमें कई साल गंवाने पड़ सकते हैं और भारत को जो फाइटर जेट इसी साल तक मिल जाने चाहिए थे उनमें और ज्यादा डिले हो सकता है। अब इसके पीछे कारण की बात की जाए तो पिछले 2-3 दिनों में अमेरिका की तरफ से भारत के ऊपर कई अलग अलग टिप्पणियां की गई हैं और इसका रीजन है कि अमेरिका के अंदर इलेक्शंस बहुत ज्यादा करीब आ चुके हैं, जो बाइडेन का पड़ला बहुत ज्यादा हल्का हो चुका है और वो लगातार ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं जिससे भारत सहित कई देशों को टारगेट किया जा सके। और दूसरा बड़ा कारण हमने बताया कि जिस तरीके से भारतीय हथियारों की लोकप्रियता दुनिया भर में बढ़ रही है, इससे अमेरिका को भी टेंशन होने लगी है। क्या आप भी इस बात को मानते हैं कि भारतीय डिफेंस की बढ़ती लोकप्रियता के चलते ही अमेरिका ने भारत को इंजन सप्लाई देने में आनाकानी करनी शुरू कर दी है? कमेंट्स में अपनी राय यसोनो के साथ जरूर लिखिएगा। भारत के सही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।